हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 14 ऑफ एनसीईआरटी। चैप्टर 14 इज ए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कोई भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम उसकी क्या फाइंड करते हैं? फैक्टर्स। अब कैसे फैक्टराइज किया जाता है? जैसे कि हमने लिखा 3xy, तो फैक्टर्स आर 3 के फैक्टर्स करेंगे, x के फैक्टर करेंगे, y के फैक्टर्स करेंगे। 3 के फैक्टर्स ओनली 3, x का फैक्टर x एंड y का फैक्टर y। मैंने लिखा 6x2y, दिस एक्सप्रेशन 6x2y, फैक्टर्स आर 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? हम 6 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 6 को फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, 3 टाइम्स अगेन डिवाइडेड बाय 3, 1 टाइम। तो फैक्टर्स आर 2 × 3, फैक्टर ऑफ 6 आर 2 × 3। फैक्टर ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मींस x मल्टीप्लाई बाय x एंड y मींस ओनली मल्टीप्लाई बाय y। तो 6x2y फैक्टर्स आर 2 × 3 × x × x × y। तो इन दिस एक्सेस चैप्टर वी विल डिस्कस फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जो फैक्टराइजेशन मीन्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है। लेट्स वी डिस्कस द एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। टर्म्स गिवन है, इनके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर मीन्स उन दोनों में कॉमन डिजिट्स क्या है या वेरिएबल क्या है, इनको हम फाइंड करते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज 12x एंड 36। 12x फैक्टर्स आर 12 के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स फाइंड कीजिए। 12 2 6 टाइम 2, 3 टाइम्स 3, 1 टाइम। तो फैक्टर ऑफ 12x इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, वेरिएबल इज ओनली x। एंड फैक्टर ऑफ 36 आर 36 के फैक्टर्स करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2 18 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाय 2 9 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाय 3 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स। फैक्टर्स ऑफ 36 इज 2 × 2 × 3 × 3। तो कॉमन फैक्टर्स, अब हमें फाइंड करना था इनमें कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मीन्स होता है कि दोनों में कौन से डिजिट्स या वेरिएबल सेम है। फर्स्ट 2, 12x में भी 2 है, 36 में भी 2 है, इट मीन्स 2 2, सेकेंड 2 तो इट मीन्स 2 3 3 इट मीन्स 3। x नॉट हेयर, x तो x कॉमन नहीं आएगा। ऐसे ही इसमें 36 में 3 है, इसमें 3 है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 × 2 × 3। तो कॉमन फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो कॉमन फैक्टर्स इज 12, दोनों में कॉमन क्या है? 12, बिकॉज 12 × 3 = 36। अगर हम 12 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ ओनली x रहता है, 36 में 3 रह जाता है। तो हमने कॉमन फैक्टर्स देखा। कॉमन फैक्टर मीन्स होता है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कर देते हैं, तो उनके बाद में दोनों में कॉमन डिजिट्स देखी जाती है, कॉमन वेरिएबल्स देखे जाते हैं। कॉमन डिजिट्स क्या क्या थी दोनों में? 2 × 2 × 3। तो कॉमन फैक्टर्स इज 2 × 2 × 3। नेक्स्ट टेक द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड लेते हैं पहले, थर्ड, बिकॉज थर्ड में वेरिएबल्स हैं। थर्ड पार्ट 14 PQ के फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 14 के फैक्टर की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, तो 2 × 7 = 14 इंटू पी इंटू क्यू। नेक्स्ट 28 P² Q²
फैक्टर्स आर 28 के फैक्टर्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, 14 टाइम्स अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4, 4 से जा 28, एंड पी स्क्वायर मीन्स पी मल्टीप्लाई बाय पी, एंड क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू. तो कॉमन फैक्टर्स आर, फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 2, सेकेंड कॉमन फैक्टर इज 7, नेक्स्ट पी एंड फोर्थ इज क्यू. कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इज ए कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है, पी कॉमन है, क्यू कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्वेश्चन इज 7x-42. फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टराइज द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स. इन दिस क्वेश्चन टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 7x, सेकंड टर्म इज -42. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. 7x के फैक्टर होते हैं ऑनली 7 इंटू एक्स, 42 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7. अब टेक द कॉमन डिजिट फर्स्ट, दोनों में कॉमन क्या है ओनली 7, 7 कॉमन है, 7 को बाहर लिख दीजिए. यहाँ क्या रह जाएगा x, इसमें क्या रह गया -2 इंटू 3. तो आंसर इज 7x-2, 3 = 6. तो आंसर इज 7 × x - 7. हमने कॉमन डिजिट्स क्या निकाली, 7 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर किए, फैक्टर के बाद हमने कॉमन देखा कि कॉमन क्या है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स में, तो 7 कॉमन था. यहाँ क्या रहेगा एक्स माइनस साइन 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 3 जा 6, तो आंसर इज 7 × x - 6. टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फोर्थ, फैक्टर ऑफ 16z -2 × 2, 2 = 4, 4 × 8, 8 = 16 × z +20, 2 × 2, 2 = 4, 4 × 5 = 20 × z. कॉमन डिजिट्स देखेंगे हम, फर्स्ट 2 यहाँ है, इसमें भी 2 है, 1 2 को लिख सकते हैं कॉमन. सेकंड टू 2 × 2, यहाँ अदर 2s नहीं है इसलिए एज इट इज छोड़ देंगे. एंड z यहाँ है, 1 z यहाँ है, इसलिए z को भी आप कॉमन ले सकते हैं. यहाँ क्या रहेगा 2 × 2, 2 × 2 बट माइनस साइन ऑल्सो है, -2 × 2 +5 एंड z × z. तो देन 2 × 2 = 4, 4 z इज ए कॉमन डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन. 4 z -2 × 2 -4, 5 × z × z 5 z². तो आंसर इज 4z × -4 + 5 z². दिस इज आंसर. तो हम पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद कॉमन फाइंड करेंगे. कॉमन फैक्टर क्या है उनको एक्स्ट्रा में रखेंगे, इट मीन्स बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, एंड देन रिमेनिंग वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर फैक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस एट वाई दिस इज फोर टर्म इन दिस क्वेश्चन हैव द फोर टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फाइंड द कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट टेक द टू डिजिट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन दोनों में कॉमन टर्म्स देखेंगे इन दोनों में कॉमन देखेंगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई में कॉमन है एक्स यहाँ क्या रह जाएगा एक्स यहाँ क्या रहेगा वाई अगेन आई रिपीट जब आपको फोर टर्म्स गिवन हो तो हम टू टू के फैक्टर्स करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म तो दोनों में कॉमन डिजिट क्या है x यहाँ एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया आपने क्या रह जाएगा ओनली सिंगल x यहाँ एक x बाहर चल गया यहाँ क्या रह जाएगा y इन दोनों में कॉमन है 8 प्लस 8 तो रिमेनिंग इज x प्लस y अब फिर से अगेन देखते हैं इसमें और लास्ट दोनों में कॉमन क्या है x प्लस y यहाँ क्या रह गया x प्लस 8 तो आंसर इज x प्लस y इंटू x प्लस 8 आंसर इज x प्लस y इंटू x प्लस 8 टेक अनदर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन इज 15 एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 फोर टर्म्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म टेक द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन दोनों में हम कॉमन टर्म्स फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे 15xy एंड 6xy में 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3 5 3 जा 15 एक्स वाई 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 एक्स प्लस 5 वाई के फैक्टर ओनली 5 इंटू वाई माइनस 2 के फैक्टर माइनस 2 इन दोनों में कॉमन डिजिट्स 3x रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ 5y एंड माइनस 2 अगेन आई रिपीट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कॉमन फैक्टर्स 5 नॉट है 3 दोनों में है दोनों टर्म्स में इसलिए हम 3 को कॉमन ले लेंगे x यहाँ भी है x यहाँ भी तो 3x इज कॉमन यहाँ क्या रह जाएगा 5 बाय माइनस 2 यहाँ क्या कॉमन है कोई डिजिट कॉमन नहीं है इसलिए हम क्या लेते हैं 1 जब कोई डिजिट कॉमन नहीं होती है तब आपका आता है 1 यहाँ क्या रहेगा 5 बाय माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर दोनों जगह पे आप कॉमन देखिए इतना और इसमें 5 बाय माइनस 2 कॉमन आ गया यहाँ क्या रहेगा 3x प्लस 1 तो आंसर इज 5 बाय माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 आंसर इज 5 बाय माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 तो हमने देखा फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम अगर 4 टर्म्स गिवन है तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में कॉमन देखेंगे एंड थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन टर्म्स देखेंगे कॉमन फैक्टर्स देखेंगे फिर उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे इनकी ग्रुपिंग करेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशंस थैंक्स